झुमरी तिलैया में इन दिनों बिजली की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। रात भर बिजली नहीं मिलने से लोग अपने अपने घरों के छतों पर टहलते नजर आ रहे हैं। स्थिति ये है कि एसी, फ्रिज और कूलर सब बेकार पड़े हैं। बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए जब स्थानीय लोग बिजली ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि बिजली ऑफिस का पंखा ही सोलर प्लांट से चल रहा है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि तकनीकी समस्या के कारण बिजली में कटौती हो रही है। पावर कट ATPS का जनरेशन में प्रॉब्लम आने के कारण झुमरी तिलैया खास करके इस समस्या में आ गई है। यहाँ के लोगों को अभी कम से कम 6 से 7 घंटा लाइन मिलता है, 1 घंटा लाइन मिलता है, 2 घंटा TVC काट करता है, जिसके कारण पूरा समस्या झुमरी तिलैया में है। और ये कल शाम तक जो है नॉर्मल होने की स्थिति में पब्लिक यहाँ धैर्य बनाए हुए रखते हैं। यहाँ रह के टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग भी प्रयासरत, विभाग प्रयासरत हैं, जहाँ तक जो है सिस्टम को दुरुस्त करके पावर सप्लाई उपभोक्ताओं के घर तक पहुँचाया जाए। जबकि स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस इलाके में सांसद और विधायक रहते हैं वहाँ बिजली क्यों नहीं कटती। कहना चाहेंगे कि गजब की हाल है, कोरोना के जो विधायक महोदया हैं और सांसद महोदया हैं उन लोगों के घर में 24 आवर लाइन है, और जिन लोग उनको वोट दे के सांसद और विधायक बनाए हैं उन लोगों के यहाँ 2 मिनट भी बिजली नहीं। हम तो शिकायत है उन दोनों नेताओं से जो जनता की प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव के समय में वादा पर वादा करते हैं कि आप लोगों की सेवा में कहीं खरा उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो फिर आप तो आप लोगों को मुंह नहीं दिखाएंगे। उन दोनों नेताओं से कहना चाहेंगे जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि अब आप मुंह मत दिखाइए, अपने घरों में बैठे रहें, हम लोग अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अब एग्जाम के पीरियड में भी बच्चे ना सो पा रहे हैं, ना स्टडी कर पा रहे हैं, तो उनका पेपर भी खराब हुआ, जिसके कारण उनको मेंटली भी डिस्टर्बेंस होगा और घर के लोग का प्रेशर भी पड़ेगा। कहाँ से परेशान जनता चारों तरफ से, और ये त्रस्त हो गए हैं क्योंकि इनका कोई निर्णय नहीं आ रहा है जिससे हम लोग कोई ठोस निर्णय लेकर निश्चिंत हो जाए कि हाँ हमें 2 घंटे देंगे, 4 घंटे देंगे। कोई तरह का आश्वासन नहीं देते, बिल्कुल ही नहीं। रात भर तो बिजली नहीं है, तो रात भर तो दिखाने के लिए आप उधर चली जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे लोग जो है सो सुबह स्कूल जाना है, रात भर सोएगा नहीं तो वो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, एकदम मन उसका जो सो विचलित हो जाता है। हम लोग स्वयं जो है सो आप अभी AC लगा लीजिए, कूलर लगा लीजिए, DC जो लगाने लगा लीजिए, जब बिजली नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। क्या बताया गया विभाग की ओर से क्यों कट रही है बिजली? क्या एनर्जी खराब हो गया, ये पूरा झारखंड का प्रॉब्लम हो गया, बोला 2-3-4 जिला का ही प्रॉब्लम है।